अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना सका तो फ़ोन ही था मेरे पास, तो चलें आज बना लेते हैं, कोई नहीं। तो चलें दोस्तों, मैं अब आपको माशाल्लाह आज दिखाते हैं जी धूप कैसे माशाल्लाह निकली हुई है, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही सुकून हुआ है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कल मैंने मेरे कबूतर धूप की वैसे नहला भी दिए थे, तो मैं आपको चेक भी कराता हूँ, वाइट वाइट हुए हैं सब। तो माशाल्लाह मैं आपको चेक भी कराता हूँ, ऊपर से बेबी पिजन भी दिखाता हूँ, पहले आपको डव्स दिखा देते हैं जाके। तो दोस्तों, मैंने कहा जी काफ़ी दिन हो गए डव्स का शौक नहीं करवाया, तो आज पहले डव से ही शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है डव। देखें दोस्तों, डव भी धूप सेक रही है, तो माशाल्लाह इनकी ब्रीड हुई ही है, अंडे उंडे वगैरह अंडे जिन्होंने दिए हुए हैं, तो इनके बच्चे भी निकलेंगे, तो वो भी आपको ज़रूर शेयर होंगे जी। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं कितने अंडे हैं इनके। दोस्तों ये बच्चा बैठा है, तो पहले तो दो थे, अब देखते हैं जी कितने हैं, चेक कर लेते हैं ना इसको उठा के। हट जा भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं जी माशाल्लाह चार अंडे हैं दोस्तों, इनमें से जो वाइट है ना फुल, और एक जो रेड से हैं। जो फुल वाइट है ना माशाल्लाह, उनमें दोस्तों बेबीज बच्चे बने हुए हैं माशाल्लाह। तो चार इसमें पिछली दफ़ा भी अंडे दिए थे, तो चार अंडों में से दो बच्चे निकले, दो अंडे ख़राब थे माशाल्लाह। आप बच्चे देख ही सकते हैं कैसे मस्तियों में घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छी ब्रीड दी थी माशाल्लाह से इन्होंने मुझे, तो इसलिए जी दोबारा मैंने इनको छोड़ दिया था कि जी कर लें दोबारा ब्रीड इन्होंने किया माशाल्लाह। देख सकते हैं कैसे बच्चे मस्तियों में मस्तियाँ गा रहे हैं, उड़ना ये प्रॉपरली उड़ना ये शुरू हो चुके हैं। अगर मैंने इनको बाहर छोड़ा ये उड़ा जाएंगे तो गिर जाएंगे, ज़्यादा उड़ेंगे तो, क्योंकि फ्लाई करेंगे तो गिर ही जाएंगे ना। तो दोस्तों आपके सामने ही हैं छोटे पिंजरे के आदि हैं, बड़े पिंजरे में अगर छोड़ूंगा तो गिर जाएंगे, थोड़े शुरू से आदि होंगे। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है ना, फीमेल ये वाली अंडे देगी अब, क्योंकि ये वाली ना भाई ये बहुत इसको मारता है अंडे दे, तो क्या पता दे भी दे। तो चार अंडे हैं जी इसके, बच्चे निकलेंगे वो भी आपके साथ शेयर होंगे जी माशाल्लाह। दो अंडों में बच्चे बने हैं, दो अंडे ख़राब हैं। कल रात को मैंने चेक किया था कि कैंडिंग की थी इनकी, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखा दें इनके अंडे। तो चल देख सकते हैं जी दोस्तों, इन्होंने दिए हुए हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं नहीं बना सका इनकी वीडियो, तो मैंने कहा चले पहले इनकी बना लेते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों कबूतरों की तरफ, और वहाँ जा कर आपको थोड़ा शौक करवाते हैं अपने कबूतरों का भी। तो चलें दोस्तों चलते हैं। सलाम, हमारी मुर्गी रिकवर हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी इसने की है जी रिकवरी। तो रोज़ रात को इसको मैं अंडा खिलाता खुद है, हैंड से हैंड फीड करानी पड़ती थी, क्योंकि जानवर जब हालत मसला हो जाता है ना फिर हैंड फीड करानी पड़ती है, और मैंने कराई भी थी माशाल्लाह से इसको। तो उसके साथ इसमें बड़ा फ़र्क आया जी, इसने दो थोड़े ही दिन हुए हैं, तकरीबन 5-6 दिन हुए हैं जहाँ तक मुझे याद है, तो इसने खुद ही दाना उठाना शुरू कर ही दिया था। तो खाना इसने शुरू कर दिया, इसकी पोट में थोड़ा दाना आ गया, मैंने कहा ये कहाँ से, मैंने चेक किया। तो फिर अगले दिन से मैंने इसको छोड़ दिया खिलाना पिलाना, मैंने कहा नहीं खिलाना, खुद ही उठाएगी खुद ही सीखेगी। तो चले दोस्तों जी, मैं इनको अंदर चल के मैं आपको ज़रा दिखा देते हैं जी क्या, बल्कि सबको बाहर ही निकालते हैं, अंदर क्या जाना है, धूप निकली है ज़रा थोड़ी धूप भी सेकेंगे। ये देखें जी कितने खुशी खुशी, कल बहुत खुश थे ये क्योंकि इनको धूप में जो छोड़ा गया था। ये देखें बच्चे, ये देखें दोस्तों, ये भी वाइट हुआ है माशाल्लाह, वो भी वाइट है क्योंकि इनको ना मैंने कल नहलाई दी है, तो उससे बहुत इनके अंदर बेहतरीन वो आई है बेहतरी। तो मैंने आपको अंदर चल के ना कुछ चीज़ भी दिखानी है। तो हमारी कबूतर के सेटअप पे ना एक और अंडा आया जी माशाल्लाह, तो हमारे कबूतर का जोड़ा बदला है, तो वो अंडा भी आ गया, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ जी। चलो बाहर माशाल्लाह दोस्तों, ये बिल्कुल देखें जी आप कितना प्यारा है जी यहाँ पे जी। ये देखें, ये अंडा ख़राब हो चुका है, अंदर इसके बच्चा जो है वो मर गया होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये देखें, दो बच्चे ये हैं, एक ये जा रहा है, ये देखें आपके सामने, ये आधी हो गया, ये बाहर ही रहता है, खुद ही खाता पीता है सब कुछ। तो दोस्तों ये देखें, ये कबूतरी ने ये देखें अंदर घोंसला तो बनाया, पर मुझे था कि सुबह का अंडा दे देगा, इसने नहीं दिया। तो कोई नहीं जी, अभी थोड़ी देर तक दे देगी, कबूतर इसके पीछे तो बहुत लगा मार रहा उसको बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, ये देखें इधर देखते हैं जी कबूतरी का क्या सीन है जी। दोस्तों ये देखें अंडा, ये कबूतरी ने दिया, पर ये कबूतर के साथ अभी हुई नहीं है, जोड़ा नहीं लगा पूरा। तो दोस्तों आपके सामने है जी, ये इसने ना पहले इसके साथ जोड़ा लगा हुआ था, वो कबूतरी के साथ बना हुआ था, तो इसने उसके उस कबूतर की वजह से इसने अंडा दिया, तो वो मैंने कबूतर को इसका साथ से हटा दिया, क्योंकि मैंने बनाना है ये जोड़ा, जिस वजह से मैंने जोड़ा बदला है, ये जोड़ा लगाना है हमने, तो इस वजह से मैंने जोड़ा बदल दिया। तो हमें तो ये जोड़ा चाहिए ना, इसलिए मैंने ये बना दिया, पर हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया।
दोस्तों इधर चेक करते हैं बच्चे आए हैं कि नहीं आए। माशाल्लाह दोस्तों अंडे तो बिल्कुल अच्छे खासे तैयार हो चुके हैं, बस दोनों बच्चे माशाल्लाह निकलने वाले हैं। ये देखें यहाँ के दो बच्चे माशाल्लाह शुरू हो गए हैं, इधर जाना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ कल दो एक बच्चा छुप गया था जाके, वो ब्लैक वाला, ये जो बैठा है ब्लैक, तो फिर इसको निकाला मैंने बड़ी मुश्किल से। ये देखें दोस्तों मुझे तो लगता है इंडियन प्रवासी बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि आस्ता आस्ता इसके भाई भी था ना। वो देखें कैसे पार उसने फेंका हुआ है, वो ऐसे ही उसने किया धूप से करिए, तो उसने भी ऐसे ही अपना रंग बदला है माशाल्लाह। बहुत प्यारे बच्चे निकले निकाले हैं इन्होंने। तो ये देखें जी, ये मारने की तैयारियों में है जी। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें अभी हाथ की तरह नीचे है तो मारने शुरू। बदतमीज़ क्या मसला, कैसे जा तू भी बाहर, अंदर क्यों बैठा है? वो देखें उसको मैंने बाहर भेजा गुड़कना शुरू। वो देखे पीछे ब्राउन कबूतर तो उसको मार रहा है, अंडे नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। इसको ना आज मैं ला के देता हूँ कैप्सूल, तो उसके साथ ना ज़रा विटामिन की अगर इन्हें कमी हो तो वो पूरी कर देता वो कैप्सूल, तो वो ला के इनको देंगे इंशाल्लाह जी। तो आज मैं जाऊंगा जी तो लेके आऊंगा, तो भी दे दूंगा मैं इनको तो इंशाल्लाह जी। ये देखें दोस्तों एक कबूतरी भी पीछे से गंदी थी, ओए मार रहा है दोस्तों माशाल्लाह बच्चे का शौक करें यहाँ। दोस्तों इन्होंने अपना बच्चा निकाला, वो जो दूसरी कबूतरी का मैंने अंडा रखा था वो अंडा ख़राब कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों मैंने रात को तोड़ के फेंकने लगा था, चेक करने लगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं जी इनको भी कराते हैं। तो दोस्तों इसको बच्चे को बाहर लेके चलते हैं, धूप लगवाते हैं थोड़ी। कल भी मैंने लगवाई थी तो मैं अंदर ले आया था, आज इसको ज़रा अच्छी खासी धूप लगवाते हैं। तो चलें दोस्तों ज़रा इसको यहाँ पर रखते हैं, जगह गंदी हुई है ज़रा साफ कर ले, ताकि जानवर जो है ना गंदगी में ना बैठे। जी देखें जी कितने प्यारे ची दोस्तों, ये लक्का बच्चा निकल रहा है माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आया जी ये। पर बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है जी, इसका बाप जो है ना वो मर चुका है। देखें जी बच्चा बहुत प्यारा निकाला इन्होंने माशाल्लाह, तो ध्यान करना पड़ेगा, चील कहीं ना उठा के ले जाए, इसलिए थोड़ी देर पीछे हो जाते हैं। देखें जी देखें कैसे सब मस्तियों में घूम रहे हैं, तो ठंड जब होता भी नहीं इतने ये करते हैं जितना पका रहे हैं। तो दोस्तों वो कबूतरी के जो अंडे हैं ना, जो उसने दिए हैं कबूतरी ने अंडे, अंडा दिया एक, सिर्फ एक अंडा दिया उसका। मैंने कहा आपको बता दूं कि ना मैंने जब इसने दूसरा अंडा भी दे देना ना, तो मैंने दोस्तों उसका ना अंडे उठा के ना, वो जो पेयर है ना लकों का हमारे पास, मैंने उसके नीचे रख देने हैं, क्योंकि मुझे इसके अंडे में अभी बच्चे इसने अंडे ख़राब कर देने हैं, क्योंकि कबूतर साथ बैठ नहीं रहा है, तो फ़ायदा कोई नहीं होना, इसने अंडे ख़राब करेगी तो जिस वजह से नुकसान ही हमारा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जी कि इसके लिए अंडे ना इसके उठा ही लिए जाएँ, तो इसके उठा के किसी और को हम दे देते हैं, वो पाल लेंगे। तो दोस्तों इसका मुझे अब डर लगा कि कोई इसको तंग ना करे आगे, बिल्ली ओ बिल्ली कह रहा हूँ, कब बिल्ली तो आएगी नहीं, खैर चील ना आ जाए। तो देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें इसका थोड़ा रंग निकला है, ये देखें जी ये देखें वाइट वाइट सा। तो चलें दोस्तों जी हम अंदर से ना दाना पानी ले आते हैं और ला के फिर इसको डालते हैं यहाँ पर सबको। तो दोस्तों आपके सामने कैसे धूप सेक रहा है। तो दोस्तों वीडियो को ना मैं रोक के ना बाजरा पानी डाल के फिर आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरह उसको मार रहा है कबूतरी को, ये मारता है कबूतर जब, तो ये यहाँ से मुझे मेरे कबूतर ने आज तक ऐसे किया मारते हैं, तो फिर वो अंडा बोला दूसरा भी कबूतर शुरू हो गया। तो कोई नहीं ये दे दें अंडे, बच्चे बहुत क्लासिक किस्म के निकालते हैं कबूतरी भी माशाल्लाह से, मुझे बड़े अच्छे लगे इसके बच्चे, इस वजह से मैंने कहा ये देखें ये लगा माशाल्लाह। दोस्तों चेक करें क्या बात है यार, मैं कहा तो मज़ा ही आ गया, इसकी तस्वीर तो आते हैं एक भाई इधर देख ले एक तस्वीर तरवा ले बस। ओए बाजा तो दोस्तों हमने इसकी तस्वीर ली है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी तस्वीर तरवाई है। दोस्तों वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो मैं ज़रा ना इनको दाना पानी डाल के ना फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अंदर बहुत बुरी लड़ाई छिड़ चुकी है, ये देखें जी पागलों की तरह ये अंदर ले आया कबूतरी को, और वो देखें जरा पागलों की तरह लड़ रहे हैं, ये जोड़ा भी नहीं बन सकता जब तक ये कबूतर नहीं कबूतरी नहीं कबूतर को मान राजी और समझ लेगी कि ये कबूतर अच्छा है, तो ये तब तक नहीं लग सकता, इन्होंने लड़ाई बहुत करते हैं। तो दोस्तों मैंने अंडा तोड़ के चेक किया, उसके अंदर ना बच्चा है पर सही पूरा बना भी नहीं हुआ, ऊपर से मरा हुआ है। तो दोस्तों छोड़ देते हैं, हम नहीं कुछ करते छोड़े पर, तो हम ना अभी ये कबूतरी को लक्के के साथ ना बना दें, क्या सीन है भाई ये। दोस्तों अगर हम लक्के के साथ वो वाला जो दूसरा हमारा कबूतर है उसके साथ अगर लगा दें तो कैसा सीन रहेगा। तो दोस्तों मैं ना इनको दाना पानी डाल के दिखाता हूँ फिर आपको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है, टाइम हो गया तो वीडियो एंड करते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, ये पसंद आई होगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ भाई।